दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आरके इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम जो बात करेंगे, आपके पास हम दिखाए थे एलजी का जो सिग्नस 65 इंच का जो डिजिटल बोर्ड है उसे हमने अनबॉक्सिंग किया था। अभी आज हम दिखाते हैं इस टीवी को आप ऑनलाइन कैसे कीजिएगा, मतलब आपका जो डेस्कटॉप है, आपका जो मोबाइल है, उस डेस्कटॉप को या तो मोबाइल का जो स्क्रीन है उस स्क्रीन को इस टीवी के साथ आप कैसे कनेक्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल में तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को सब शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो हम जैसे कि आप ये देख सकते हैं, हम टीवी को ऑन कर लेते हैं और जैसे कि हम जैसे ही ऑन किए, मेरा जो यहाँ पे पावर लाइट है टीवी का वो रेड लाइट ब्लिंक हो रहा है। अब हम इसे आप इसे रिमोट से ऑन कर सकते हैं या तो फिर आप फिजिकली इसे भी ऑन कर सकते हैं। हम इसे अभी यहाँ पर ऑन करते हैं, प्रेस किए और जैसे ही प्रेस किए ये ब्लू लाइट हो गया है। ब्लू लाइट होने का मतलब आपका जो टीवी है ऑन हो गया है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। तो ये रहा मेरा टीवी दोस्तों, ये जो डिजिटल बोर्ड है ये फुल्ली ऑन हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, इसे आप ऑनलाइन कैसे कीजिएगा वही हम आपको दिखाते हैं। तो ये मेरा जो बोर्ड है इसे हम खोल लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा मेरा इस टीवी के लिए एक वाईफाई मॉड्यूल, ठीक है। ये मॉड्यूल आप जैसे ही इस बोर्ड में कनेक्ट करेंगे, आपका जो टीवी है ये आपका ऑनलाइन हो जाएगा, आपके साथ वाईफाई के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। और आपका जो भी मोबाइल फ़ोन है या तो डेस्कटॉप है, आप इसे इस स्क्रीन के साथ शेयर कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो एंटीना दिया गया है। ये दोस्तों 5 GHz 2.4 GHz डुअल बैंड सपोर्ट आपको करता है। तो आप इसे जैसे कि आप टीवी के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे दो पोर्ट दिया गया USB, आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप साइड के तरफ में, मैं आपको दिखा दूँ साइड भी, आप यहाँ पे देख सकते हैं USB 3.0 तीन पोर्ट दिया गया है, आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप आगे में कनेक्ट करते हैं तो कहीं हाथ से लग जाएगा तो ये कहीं टूटने का डर है, गिरने का डर है, तो इसे हम पीछे की तरफ करेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं अभी ये टीवी इस मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये नेटवर्क साइन है जो यहाँ पे डिसकनेक्टेड शो कर रहा है। आप इस टीवी को लैन केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं और या तो आप इस मॉड्यूल को थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम देरी नहीं करके इस मॉड्यूल को कनेक्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन में, यहाँ पे जो मैं ये साइन आपको दिखा दूँ, यहाँ पे कुछ भी कोड नहीं है, जस्ट खाली ब्लैंक है। और हम जब इसे कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, अब हम उसे आपको दिखाएंगे। तो चलिए इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मेरा मॉड्यूल है इसे हम कनेक्ट कर चुके हैं। अब थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, हम जैसे ही उसे कनेक्ट किए, मेरा जो ये वाईफाई का सिग्नल है ये देखिए कनेक्ट ये हो चुका है। अब फर्स्ट टाइम कनेक्ट करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टिंग वाईफाई राउटर रहेगा उसका पासवर्ड यहाँ पे आपको डालने के लिए पूछेगा और ये कनेक्ट होगा। तो हम इसे पहले ही डाल के रखे थे और जैसे ही ये कनेक्ट हुआ, आप यहाँ पे एक देख सकते हैं ये स्क्रीन शेयरिंग कोड है। इस कोड को आप जिस मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे, जिस ऐप के साथ कनेक्ट करेंगे, उस एक ऐप है स्क्रीन शेयर प्रो, ये एक ऐप है, उस ऐप को आपका मोबाइल में या तो आपका डेस्कटॉप में शेयर करना होगा। उसका जो डाउनलोड लिंक है हम उसे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से इसे डाउनलोड करके कुछ नहीं करना है दोस्तों, जस्ट फर्स्ट आप उसे इंस्टॉल कीजिए और जैसे ही ये टीवी ऑन होगा, आपका नेटवर्क कनेक्टेड रहेगा तो आपका स्क्रीन में हर वक्त जितना बार आप इसे ऑन कीजिएगा एक कोड जनरेट होगा और यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा। बस इसी कोड को आपके डेस्कटॉप या तो लैपटॉप या तो मोबाइल फ़ोन में इस उस जो स्क्रीन से प्रो जो ऐप है उसे जब आप ओपन करेंगे तो एक कोड पूछेगा आपसे और इसी कोड को जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस कोड को आप आपका डेस्कटॉप या तो मोबाइल ऐप का मोबाइल में जो ऐप है स्क्रीन से प्रो, आप इस कोड को जैसे ही आप डालेंगे, आपका जो मोबाइल फ़ोन है या तो जो डिवाइस है इस स्क्रीन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में जो भी दूसरा जानकारी है, जैसे कि इस बोर्ड को आपको कैसे यूज़ करना है, ये सारे चीज़ हम आपको अगला वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि इसी वीडियो में लेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो दोस्तों आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।